कांग्रेस का झंडा पकड़ो और कांग्रेस पार्टी को यह एहसास दिलाओ कि सरकार तुम्हारे वोटों से बन रही है, लखन घनघोरिया तुम्हारे वोटों से जीत रहे हैं। ये जो आए हैं बड़े बड़े मुकर्रर यहाँ घूम घूम करके तकरीरें कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको सब्जबाग दिखाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरे मेंबर वो खाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं। और मैंने सुना है कि एक कोई उनके प्रवक्ता यहां घूम रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हमको भी बता रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी जीते हैं तो हमारे वोट से जीते हैं। तो एक परिंदा होता है, वो रात में सोता है ना तो पैर ऊपर कर लेता है, सोते वक्त जानते हैं क्यों ऊपर कर लेता है, उसे लगता है कि जब आसमान गिरेगा तो हम अपने पैर से उसे रोक लेंगे। बिल्कुल वही हालत है, उन्हें लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है बस वो अगर बोले ना तो दुनिया चले ही नहीं, हिंदुस्तान चले ही नहीं। उन्हें एहसास दिलाइए कि नहीं भैया, ये जबलपुर है, ये जबलपुर के समझदार लोग हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आप जानते हैं, आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे पहचानते हैं। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि 2022 से जब से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, एक दिन भी ऐसा नहीं लम्हा गुजरा है। विवेक तन्खा जी इस बात के गवाह हैं, जब से पार्लियामेंट पहुंचा हूं, कभी नजीब के लिए लड़ रहा हूं, कभी बुनकरों के लिए लड़ रहा हूं, कभी बिल्किस के लिए लड़ रहा हूं, कभी स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा हूं, कभी जामिया के लिए लड़ रहा हूं, कभी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा हूं, एक भी दिन हम खामोशी से नहीं बैठे हैं। हम आपके मुद्दों पर बुनियादी तौर पर लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जिसके सिपाही हैं, हम जिसकी कयादत में अपनी सियासत कर रहे हैं, उस शख्सियत का नाम राहुल गांधी है और उसका ऐलान है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हम उस दुकान के खुलवाने के मददगार हैं। और मैं यहां खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि अभी कर्नाटक में मोहब्बत का बहुत बड़ा शोरूम खुला है, वो शोरूम मध्य प्रदेश में भी खुलने जा रहा है, वो शोरूम तेलंगाना में भी खुलने जा रहा है, वो शोरूम छत्तीसगढ़ में पहले से खुला है, फिर से रिपीट होने जा रहा है, वो शोरूम राजस्थान में पहले से खुला है, वो फिर से रिपीट होने जा रहा है। इन चार राज्यों के चुनाव में भाजपा के लिए कुछ है नहीं। जबलपुर वालों, ये जो चुनाव है ये सिर्फ असेंबली का चुनाव नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। इसलिए भाजपा बहुत परेशान है, इसलिए मैंने सुना है कि कल अमित शाह जी आ रहे हैं, परसों हो सकता है अमित शाह जी भी आ जाए, क्योंकि अमित शाह जी